और जब भी ये दोनों दो चीज़ें करिकुलम बिठाए या फिर रेज्यूमें जब भी लिखते हैं तो उनके साथ कवरिंग लेटर होता है ठीक है आज की इस वीडियो का जो मेन मोटिव है आपको ये सिखाना है कि बेटा सी वी लिखते कैसे हैं दूसरी चीज़ ये कि कवरिंग लेटर क्यों ज़रूरी है उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल मिल जाएगी तो लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और आप इसको आसानी से पेपर्स के अंदर अटेंड कर सकें चले देखते हैं सबसे पहले क्या भाई सीवी और रेज्यूम पहले मैंने बताए चीज़ें ज़रूरत कब पड़ती है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर साथ साथ बता दी जाएगी लाइक <coughs> like, के देख लें बहुत सारी कंपनीज होती हैं कई अगर आपको कहीं पे जॉब चाहिए होती है कहीं पे पॉइंट कहीं पे हायर कोई पोजीशन हायर पोजीशन के ऊपर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो फिर आपका जो स्टफ मटेरियल है फॉर एग्जांपल यू हैव डिग्रीज ठीक है आप उन डिग्रीज़ को आप सामने सर्कुलेट कैसे करेंगे उनको बताएंगे कैसे कि भाई मेरे पास ये ये चीज़ें हैं तुम इसको देखो कि मैं एलिजिबल हूँ मिसाल लीजिएगा कि अगर एक जगह पे बहुत अच्छा खाना बनता है और उस खाने हर कोई उसको खाए मज़ा आता है लेकिन उसका सर्विंग वे जो है वो बेकार हो मतलब सर्व जो सामने करते हैं जाके ये भाई खाओ वो खाने देने का तरीका बिल्कुल बेकार हो तो लाजमी बात है इथिकली हमको अच्छा नहीं लगेगा ठीक है हम उस खाने को टेस्ट भी नहीं करेंगे तो यही चीज़ सारी की सारी चीज़ें अगर आपकी डिग्रीज़ अच्छी हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है लेकिन आपका सीवी का तरीका अगर प्रॉपर नहीं है तो इट मींस दैट वो वही मिसाल है कि सामने वाला बंदा कहेगा नहीं यार फ़ायदा नहीं है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा कि सीवी लिखते कैसी हैं इसकी आपके सामने कुछ टिप्स आ रही हैं जिस तरीके से यहाँ पर फाइव पॉइंट्स हैं ठीक है थीके? इन फाइव पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा टिप फॉर यूज़ू में राइटिंग uh, या फिर आप सीवी राइटिंग कह सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है मेंशन योर पर्सनल डिटेल एंड कॉन्टेक्ट इंफॉमेसन सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डिटेल उसके ऊपर देनी है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जहाँ से आपको बंदा सामने वाला रब्ता करे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट है यूज़ आ रिज्यूमे समरी और ऑब्जेक्टिव फिर आपको क्या करना है कि जो समरी का जो ऑब्जेक्टिव या जो जो मेन चीज़ होती है समरी वो आपने लिखनी है थर्ड पॉइंट पर आपके पास आता है लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स आपके एक एक्सपीरियंस कितना रहा है और आपने के अचीवमेंट्स क्या गया है वो आपको मेंशन करनी है ठीक है फिर आपके पास अगला पॉइंट है मेंशन योर स्किल्स अपनी काबिलियत बतानी है आपके अंदर क्या है, क्या गर्ड्स वगैरह स्किल्स वगैरह हैं ठीक है ठीके? हाँ फिर ये भी है कि इंक्लूड एडिशनल रेज्यूमे सेक्शन मतलब अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी है लैंग्वेज़ कौन कौन सी बोल सकते हैं हॉबीज़ कौन कौन सी हैं ये ऑप्शनल है ठीक है आप बाकी किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं गाइजेज सी बी का पैटर्न का मैं बता रहा हूँ ठीक है आपको इन चीज़ों के हिसाब से आपको सी बी तैयार करनी पड़ती है तो अगली स्लाइड के अंदर हम चलते हैं तो दिखते हैं सबसे पहले क्या है सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या आ रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की मैं पहले बता रहा हूँ मैंने एक स्लाइड पर एक स्टेप लिखा है ये एक हेडिंग हेडिंग वाइज होता है लेकिन ये एक पेज पर होता है ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉमेसन के ऊपर देखें आपके पास नेम आ रहा है फादर्स नेम आ रहा है नेम के आगे मैंने लिखा हुआ है ए बी सी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई ये मेरा नाम ये है क्योंकि बेटा आप जब भी पेपर के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो आप इसको मैंशन ना करें ठीक है इसको सिक्योरिटी रखने दें वो लाजमी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉमेशन आप पेपर के अंदर लिखें ये मना भी है ठीक है तो यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका एबीसी आ जाएगा फादर्स नेम के भी आप एक्स वाई जेड या एबीसी ये लिख लें या फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आप लिख लीजिएगा मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे सिफ़र सिफ़र सिफर डाल दिया है आप जो है वो लिख सकते हैं कोई से भी लिख लें आप ठीक है लेकिन अपनी कंफर्म नहीं लिखें क्योंकि इससे आपकी अगर लिख भी लें तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगी आपकी ठीक है सी एन आई सी नंबर आप नहीं लिखते आप कोई और नंबर लिख देते हैं अगड़म बगड़म लिख देते हैं या फिर आप कोई सा भी ऐसे मार्क डाल देते हैं कोई इसका इशू नहीं होता मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं ये चीज़ आप मैंशन करते हैं नेशनैलिटी मतलब आप है? है, कौन हैं पाकिस्तानी हैं हिंदुस्तानी हैं कौन हैं तो आप इस चीज़ को मेंशन करते हैं पहली इन्फो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर यह आ गया ठीक है आपका अब आप देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लाजमी बात है जब आप सी लिख रहे हैं तो फिर आपको कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन तो आएगा ना कि आपको अगर आज सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कॉन्टैक्ट किस पर किया जाए तो सबसे पहले रेजिडेंशियल एरिया आएगा आप कहाँ पर रहते हैं ठीक है एड्रेस वगैरह आएगा कि भाई कहाँ 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 पर रहते हैं आप उसको मेंशन करेंगे हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर एरिया नंबर इस तरीके से ठीक है फिर या फिर ईमेल अपना दे देंगे आप जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ए बी सी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम लिखा है तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं कोई सा भी लेकिन पर्सनल नहीं लिखेंगे ठीक है तो फिर यहाँ पे थर्ड पे, पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे देख लें गाइस मोबाइल नंबर जो है मैंने अपना भी नहीं लिखा ना मैंने किसी और का लिखा मैंने ऐसे सिर्फ जीरो डबल थ्री टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया है मैंने किसी का कोई अपना जाती यहाँ पे नहीं लिखा और मैं आपको भी मना करूँगा पेपर से इसकी इजाज़त नहीं देता पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप पेपर के अंदर नहीं लिखते ना नाम लिखते हैं ना कोई चीज़ वगैरह लिखते हैं ठीक है तो पहली हेडिंग अपनी आपको पता है दूसरी हेडिंग अपने पास ये आ गई तीसरी बार आते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव यह समरी आपको पता था क्या है तो सिक्योर अ अपोजिशन इन योर रिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ अचीव एडवांसमेंट एज़ पर फील्ड ऑफ माय स्टडी मतलब कि जो आपने जो आपको जहाँ से मिली है कि जॉब आ यहाँ पर आई हुई है और आप यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप क्यों होना चाहते हैं ठीक है तो आपका मेरा जो मुताल है या जो मेरी स्टडी है वो इस फील्ड के हिसाब से है तो आपने मेन अपना टॉपिक इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने पास स्लाइड कौन सी आ गई है एजुकेशनल डिटेल की आगे एजुकेशनल डिटेल में आप पहले आपको यूनिवर्सिटी लिखना पड़ेगा फिर कॉलेज लिखना पड़ेगा फिर स्कूल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं पहले स्कूल लेके जाते हैं फिर कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी ये मिस्टेक है ठीक है यूनिवर्सिटी नेम आ गया फिर वहाँ से कौन सी डिग्री हासिल की जैसे आपके सामने मेंशन है कराची यूनिवर्सिटी फिर यहाँ पे बैचलर इन इंग्लिश फिर कॉलेज नेम है एसएम साइंस गवर्नमेंट कॉलेज फिर इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग की डिग्री है फिर स्कूल नेम आ गया हैप्पी होम चिल्ड्रन अकेडमी वहाँ से मुझे डिग्री मिली है किसकी मैट्रिकुलेशन साइंस की दैट्स इट ओके गाइस सो वी हैव नेक्स्ट हैडिंग अबाउट स्किल्स स्किल्स के अंदर जो जो आपके अंदर खूबियाँ हों वो लिख सकते हैं वो कंप्यूटर की हों या किसी और चीज़ के हों या जिस चीज़ के अंदर महारत रखते हो उस चीज़ के बारे में आप लिख देंगे मैंने यहाँ पर तीन चीज़ों को मेंशन किया है वेरी इनर्जेटिक रिजल्ट ऑरियंटेड एंड ऑर्गेनाइज मतलब जो नतीजा जो मुझे कोई काम दिया जाता है उसको मैं जिस तरीके से करता हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरी दूसरी मैंने खूबी लिखी है कि फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश जैसा लिखा है कि कीप एक्सीलेंट इंटरपर्सनल रिलेशन एंड रेडी टू हेल्प दैम ठीक है फिर मैंने ये मेंशन कर दिया है तो आपके अंदर जो जो स्किल्स होंगी आप उन तीन को तीन या चार या पांच या छह जितनी भी होंगी आप क्या करेंगे उनको मेंशन कर देंगे फिर अगली स्लाइड के ऊपर देख लें वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से जैसे मैं टीचर हूं तो मैंने टीचर के लिहाज से लिखा है कि भाई मैं इसलिए सुटेबल हूँ और वर्क एक्सपीरियंस का मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग जी बी एस एन स्टूडेंट्स फॉर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज तो ये मेरा एक्सपीरियंस है ठीक है अगर आप चाहें इसको बोर्ड बेहतरीन करना है तो वर्क एक्सपीरियंस के आगे ऑप्शन या ब्रैकेट बनाकर जो जो जगह जहाँ 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 पर पढ़ाते हैं आप उसको भी ऐड कर दें इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल बेनिफिशली काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर अपने पास आता है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी मतलब कौन कौन सी जबान ज़वा, के अंदर मेरे पास महारत है मैं कौन कौन सी जबान अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने दो मैंशन किए है उर्दू और इंग्लिश फिर उर्दू स्पोकन क्या है मेरी एक्सेलेंट है इंग्लिश स्पोकन क्या है एक्सेलेंट है ठीक है इस तरीके से रिटर्न फॉर्म के अंदर भी उर्दू लिख भी सकता हूँ मैं और इंग्लिश भी क्या कर सकता हूँ लिख भी सकता हूँ बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ज़बा तो लिख देते हैं कि भाई मैं ये ये ज़बानें बोल सकता हूँ लेकिन फिर उसके आगे ये नहीं लिख सकते कि भाई वो लिख भी सकते हैं बोल सकते हैं वो किस चीज़ के अंदर इनसे मैं एक्सपर्ट हैं तो ये दोनों चीज़ें का मैंशन कर दी जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम हॉबीज़ लिखेंगे मतलब um, हॉबीज़ क्या है मेरी मुझे क्या क्या मसवाले करने अच्छे लगते हैं फॉर एग्जांपल आई लाइक राइडिंग हॉर्स प्लेइंग क्रिकेट एंड पोइट्री जिस कि मुझे ये अच्छा लगता है इस तरीके से बाकी जो जो चीज़ें आपको भी सही लगती हैं आप हॉबीज़ के अंदर क्या कर सकते हैं उसको ऐड कर सकते हैं समझ आ गई क्या तो यहाँ पर अपने पास लास्ट स्लाइड है जहाँ पर आप सीवी का रेफरेंस वगैरह देंगे कि भाई आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो आप सामने वाले को भेज रहे हो उसका रेफरेंस क्या है मतलब कहाँ से मिला आपको क्या आप ये पॉइंट बता रहे हो तो आपको जॉब की जो एडवर्टीज़मेंट है वो डॉन न्यूज़पेपर से पता लगी है तो फिर आप उसको क्या करेंगे लिख देंगे तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको अब आप बताई गई हैं सबसे पहली स्लाइड से ले लास्ट स्लाइड तक इसकी आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है पैटर्न भी माइंड में रखना है सी का ये तरीका है ठीक है बेटा मैंने एक एक स्लाइड के बनाया है लेकिन आप एक ही पेज के ऊपर सारी चीजें मेंशन करेंगे अब बात करते हैं हम दूसरी चीज की जिसको नाम दिया गया है आपको कवरिंग लेटर का कवरिंग लेटर क्यों जरूरी है अब ये अगली स्लाइड के अंदर आपको पता लग जाएगा डेफिनेशन क्या है कवरिंग लेटर की है अ कवरिंग लेटर इज वन पेज डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट एज पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन अलोंग विद योर रिज्यूमे और करिकुलम विटा मतलब कवरिंग जो लेटर है ये किस्म का एक पेज का डॉक्यूमेंट होता है जो आप सबमिट करवाते हो जॉब एप्लीकेशन के साथ अपनी रिज्यूमे या फिर अपने सी के साथ ठीक हो गया अच्छा द रीज़न या फिर जो उसका एम होता है ऑफ कवरिंग लेटर इज़ टू इंट्रोड्यूस यू आपको ये सामने वाले को मुतारफ़ करवाता है एंड ब्रीफली समराइज़ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड और आपको मुख्तसरा सामने वाले को बताता है ग्यारोफेशनल प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है इस आपका जो कवरिंग लेता रहे है, उसका ये मकसद होता है ठीक है समझ आ गई बात आपको अब आते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर आपके सामने यहाँ पे गाइस देखिएगा एक मैंने पूरा का पूरा कवरिंग लेटर लिखा है जिसके जरिए आपको उसका पैटर्न समझ आ जाएगा किस तरीके से लिखते हैं कहाँ पे इन्वर्टेड कमास फ़ुल स्टॉप ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे लगाते हैं ये चीज़ मेंशन हो जाएगी तो देखिएगा सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन हॉल है फिर कॉमा है फिर आप अपनी ई वगैरह लिखेंगे फिर कोई सा भी कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे देख लें मैंने इसमें भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा यहाँ पर भी थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एच तो फिर मैं बता रहा हूँ कि कोई पर्सनल डिटेल डालना पेपर के अंदर ज़रूरी नहीं है बल्कि मना है फिर जो कौन सी डेट है थर्ड जून टू थाउजेंड थर्ड ट्वेंटी थर्ड है अच्छा भाई ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना द एग्ज़ामिनेशन हॉल ए बी सी ये जी मेल वाला ये जो नंबर वाला फिर डेट वाला ये क्या है ये भाई जो बंदा भेज रहा है ना ये सेंडर का पॉइंट है अब जो इसको रिसीव करेगा वो कौन करेगा द एडिटर होगा द डेली डाउन होगा कराची होगा ये क्या हो जाएगा अपने पास रिसीवर हो जाएगा फिर आपके पास सैल्यूटेशन आएगा जिससे कि से आप सैल्यूट करती हैं डियर मैम या डियर सर फिर आपने भाई क्या करना है आपने लिखना है कि आई एम आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर टीचिंग भाई मैं ये लिख रहा हूँ और टीचिंग को अप्लाई करने के लिए टीचिंग के अप्लाई करने के लिए आई हैव डन बैचलर्स इन इंग्लिश मैंने भाई क्या कर लिया है बी एस इंग्लिश किया हुआ क्राची नस्थी, क्राची नस्थी, है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से ठीक है आई हैव टॉट एज अ लेक्चर इन डिफरेंट कॉलेज मैंने डिफरेंट कॉलेज के अंदर पढ़ा है आई फील दैट मुझे लगता है आई एम द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब बिकॉज माई गोल इज़ टू ब्रिंग चेंज मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल मैं ठीक हूँ क्योंकि मेरा मकसद कुछ तब्दीली लाने का है वोली तब्दीली नहीं भाई ठीक है आई रियली अप्रिशिएट ये एंड लुकिंग फॉर्वर्ड टू हेयर फ्रॉम यू मतलब मैं आपका जवाब का मंतजर हूँ कि आप मेरे को रिस्पॉन्स करेंगे और फिर ये वगैरह 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 ठीक हो गया फिर आपको एक लाइन ड्रॉप करनी फिर एंड में आप सिग्नेचर साइन sign लिखेंगे जिससे कि योर सेंसियरली कोमा है फिर एक्स वाई जी ठीक है ये आपके पास पूरा का पूरा गाइस पैटर्न था कवरिंग लेटर का अब यहाँ पर देख लें अगर आपको कोई दूसरी जॉब के लिए लिखना है तो आपके पास पैटर्न यही होगा जिस कि से मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर टीचिंग आई हैव जस्ट डन किसके अंदर कौन सी फील्ड के लिहाज से है आप वहाँ पर अपनी डिग्री लिख देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से लिख देंगे और फिर आपने जहाँ 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 आपने काम किया है फिर वो इसका एक्सपीरियंस लिख देंगे बाकी कवरिंग लेटर का एक पॉइंट यही रहेगा सो गाइस ये आपके पास कौन आज की वीडियो के अंदर आपको ये सिखाया गया है कि सीवी और कवरिंग लेटर लिखते कैसे हैं अगर नहीं समझ आ रहा आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर दोबारा क्वेश्चंस कर सकते हैं आई एल गाइड यू इन इनशाला मैं आपको उसकी भी रिस्पॉन्स दे दूँगा अगर वीडियो समझ आ गई तो जाने से पहले सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर इट अल्लाह हाफि थैंक यू सो मच